ईडीपी लेना चाहिए या ईडीटी लेना चाहिए, अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी आता है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आपको बड़ा काम आएगा। डूड सलूट, क्या हाल है मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज की वीडियो में आपको एग्जैक्टली मैं समझा दूंगा कि ईडीपी एंड ईडीटी में फर्क क्या होता है, दोनों में से कौन सा बेटर है एंड आपको कौन सा लेना चाहिए। एंड इंडियन परफ्यूम ब्रांड्स के बारे में भी एक दो चीज बताने वाला हूँ जो आपको काम आएगी समझने के लिए भाई की चल क्या रहा है। एंड दोस्तों वीडियो के एंड में बहुत अच्छी चीज हुई है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। पहली बात तो ये देख लेते दोस्तों कि कोई भी परफ्यूम बनाने के लिए ये तीन चीजें तो लगती ही लगती है। पहला है वाटर, दूसरा है फ्रेग्रेंस ऑयल एंड तीसरा है अल्कोहल। अल्कोहल इसलिए डाला जाता है परफ्यूम के अंदर बिकॉज ये बहुत अच्छा एक ब्लेंडर की तरह काम करता है बिटवीन ऑल द कंपाउंड्स इन इट एंड साथ साथ भाई अल्कोहल का इवेपोरेशन रेट भी काफी जल्दी है, इसलिए ही इट बिकम्स वेरी आइडियल टू ऐड अल्कोहल इन द फ्रेग्रेंस। ईडीटी एंड ईडीपी का दोनों का ओरिजिन एक फ्रेंच वर्ड का है। पहले बात करते हैं ईडीटी को लेके। ईडीटी का फुल फॉर्म है योर दे थोलेट। थोलेट अगर नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में देखा जाए तो बेसिकली बोला जाता है वाटर परफ्यूम्स। क्यों बोलते हैं उसके बारे में आपको आगे बता। ईडीटी के अंदर वाटर तो है जैसे मैंने आपको बताया, हर परफ्यूम के अंदर रहेगा, पर इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस ऑयल का कंपाउंड होता है ना वो मिक्सचर रहता है लगभग 5% से लेके 20% तक। फ्रेग्रेंस ऑयल क्या होता है एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका सैंडलवुड हो गया, वनीला हो गया, पेपरमेंट हो गया, सिदारवुड हो गया। जब आप एक फ्रेग्रेंस को स्टडी करते हो तो देखो आपने हमेशा देखा है टॉप नोट है, उसके बेस नोट है, मिडिल नोट है एंड यू व्हेन यू रीड इट आपको वहाँ पे उसे कंपाउंड्स में कहीं ना कहीं वनीला दिख रहा है, सिदारवुड दिख रहा है या आपको सैंडलवुड दिख रहा है। दीज आर फ्रेग्रेंस ऑयल जो वो परफ्यूम की ठीक है वो फ्रेग्रेंस का एक एसेंस बनाते हैं। इसका कंपाउंड जो रहता है एक ईडीटी के अंदर मेरे भाई वो रहेगा 5% से लेके 20%। 20% के ऊपर ईडीटी में नहीं डालते, ज़्यादातर तो नहीं डालते मैंने जितना देखा। अब क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस ऑयल कम होते हैं तो ऐसे जितने भी सेंसिटिव नोज वाले लोग हैं ना उनको वो इरिटेटिंग नहीं लगेगा, उतना स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं लगेगा। एंड बिकॉज इसके अंदर थोड़े ऑयल कंपाउंड्स कम होते हैं आपके स्किन पे जब आप उसको लगाओगे ना तो वो आपको इरिटेट नहीं करेगा। देर हैव बीन टाइम जब लोग ईडीटी को लगाते हैं अपने स्किन के ऊपर डायरेक्टली उनको रिएक्शन या उनको इरिटेशन नहीं होता है व्हेन कंपेयर टू द अदर पर। स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई करने के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है क्योंकि कंपाउंड एंड सोल्यूशन भी कम होता है। एंड बिकॉज ईडीटी के अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल्स एंड बाकी सारे सॉल्यूशंस कम होते हैं ना तो अगर आप अपने कपड़ों के ऊपर डायरेक्टली भी लगा रहे हो तो आपका कपड़ा डैमेज नहीं होगा। देखो मेरे दोस्तों सीधी बात तो यह है कि कपड़े के ऊपर इसलिए डायरेक्ट नहीं लगाते इसके ऑयल से कपड़ा डैमेज हो सकता है पहली बात तो ठीक है, बट बिकॉज ईडीटी के अंदर कंपाउंड्स कम होते हैं इट इज़ ओके अगर तुम कॉटन के ऊपर डायरेक्ट डालते हो। भाई देखो मैं गारमेंट में भी काम करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है गारमेंट के अंदर, मेरे कोई कपड़े पे कभी ऐसा डैमेज नहीं आया ठीक है। 350 जीएसएम के कपड़ों के ऊपर टी शर्ट्स के ऊपर भी मैंने स्प्रे किया हुआ है, मेरा तो खराब नहीं हुआ है। किसी का हुआ है तो मेरे को पता नहीं उसका कपड़े का मटेरियल क्या था, बट ईडीटी को लगा के तो कपड़ा खराब नहीं होता, एटलीस्ट टीएमसी से तो हुआ ही नहीं। एंड ईडीटी का एक चीज़ क्या है ना दोस्तों कि ये मोर ऑफ अ इंटीमेट टाइप ऑफ परफ्यूम्स होते हैं, मतलब कहते हैं ना क्लोज कॉन्टैक्ट में। सीधी भाषा पर डेट नाइट पर जा रहे हो, प्राइवेट नाइट है, हनीमून पर जा रहे हो, अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो, पास में हो, क्लोज कॉन्टैक्ट में हो, ये परफ्यूम का फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है ना कि योर पार्टनर वोंट फील इरिटेटेड विथ इट। ठीक है ओपनली बोल रहा हूँ भाई, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि अगर आप डेट नाइट्स के लिए जा रहे हो या कुछ आप ऐसे इंटीमेसी वाले मोमेंट में हो तो मेरे भाई दिस ईडीटी मॉड्यूल्स आर गुड टू गो। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ टॉप 5 परफ्यूम जो लड़कियों को पसंद आते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईडीपी, ईओ दे परफ्यूम, अगेन फ्रेंच वर्ड है मेरे दोस्तों। ईओ दे परफ्यूम के अंदर भी आपको वाटर है, अल्कोहल है एंड फ्रेग्रेंस ऑयल है। इसमें लेवरेज क्या होता है कि वॉट मेक्स इट बेटर दैन दिस इसकी भाई इसके अंदर आपको जो फ्रेग्रेंस ऑयल का कंपाउंड है वो 10% से लेके 30% के रेंज में रहता है, इतना ज़्यादा सोल्यूशन रहेगा। मतलब बेसिकली फ्रेग्रेंस ऑयल का जो सोल्यूशन होगा इसके अंदर इट हैज़ टू बी मोर देन दिस इन थियोरी, बट कंपनी टू कंपनी बहुत फर्क आता है। अब इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल कितना होता है, इस एक ईडीपी के अंदर ना जो फ्रेग्रेंस ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है वो 10% से लेके अप टू 30% होता है एंड अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन इज वे हायर कंपेयर टू एन ईडीटी। दिस इज द रीजन बिकॉज अल्कोहल का इसके अंदर ब्लेंड है, ईडीपी लास्ट लॉन्गर देन एन ईडीटी। येस इन रियलिटी ऑल्सो इन थियोरी ऑल्सो बिकॉज अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा है वो फ्रेग्रेंस को एलिवेट कर देता है एंड एलिवेशन इसकी उसको पुश करती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इसलिए ईडीपी जो है वो ज़्यादा लास्ट करता है वैन कंपेयर टू एन ईडीटी। बट इसमें भी चीज़ें डिपेंड करती है व्हेन इट कम्स टू फ्रेग्रेंस कंपनीज। ठीक है अब सीधी सी बात मैं आपको ये बताता हूँ, आपको एक रेंज मिला हुआ है ठीक है कि आपको जितना आपके अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेशन डालना है। नाउ इफ अ कंपनी इज पुटिंग 100% ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टू इट कंपेयर टू समबडी इज पुटिंग थोड़ा सा कम,
ब्रांड आप कोई सा भी ले लो, चाहिए मैं आपको मल्टीपल नीचे ऑप्शंस डाल के रखता हूँ नीचे, मैंने तो पूरे वीडियो बनाए हुए हैं भाई, 2000 के अंदर कौन सा अच्छा है, 1000 रुपये के अंदर कौन सा अच्छा है, ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करते रहे, पर दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा क्या चाहिए। EDP को शर्ट्स कपड़ों पर मत लगा देना, क्योंकि अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, कॉटन भी ख़राब हो जाता है, तो इसको उसमें मत ही लगाओ, इसको डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करो, भी आपके मेजर पॉइंट्स पे लगाओ तो ज़्यादा। अनलेस आप लोगों को नहीं पता है कि मेजर हीट पॉइंट्स कौन से हैं तो नीचे कमेंट करना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। बट येस, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज कितना कॉन्सेंट्रेशन डाला हुआ है, एक EDT एंड EDP के जो लॉन्ग लास्टिंग नेचर्स है ना, वो डिफर कर सकते हैं। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नोट्स के हिसाब से कहूँ तो TMC थोड़े 2 घंटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, आराम से 2 से 2.5 घंटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कंपेयर करूँ एक विलन से, ठीक है। पर जहाँ पर ये ख़त्म हुआ उसके बाद भी विलन चलता रहेगा। बट अगर मैं विलन को कंपेयर करता हूँ एक डेविडॉफ से, ठीक है, डेविडॉफ का जो कंपाउंड है इज एनी डे स्ट्रॉन्गर देन विलन, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लिटरली डेविडॉफ चलेगा 4 घंटा आराम से चलेगा, ये EDT है मेरे भाई, ठीक है, पर वो EDP से ज़्यादा चलेगा, बिकॉज कंपनी ऑल्सो डिफर्स, कंपनी ने कितना उसके अंदर कंपाउंड मिलाया है, डैट ऑल्सो डिफर। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने स्किन का जो EDP है वर्ज का, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ TMC के EDT से, तो एनी डे स्किन जीतेगा, टाइटन विल विन कंपेयर टू TMC, इसका फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर टू दिस, यहाँ पे EDT नहीं जीत रहा है। प्राइस रेंज में मेजर फ़र्क है भाई, ये 2000 के रेंज का परफ्यूम है, ये 1000 रुपये से भी कम है, ये 500 के अंदर का परफ्यूम है, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि भाई जो कंपनी अगर आप ले रहे हो वो अपने रेंज में कम्पीट करे, समझ रहे हो, आप 500 वाले को 1000-2000 वालों से कंपेयर नहीं कर सकते हो, इवेंचुअली एंड ऑफ द डे दोनों ही अच्छे, इवन टाइटन ये वाला तो मैं डेट्स के लिए भी सजेस्ट करूँ। एंड मेरे दोस्तों, अब अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, एंड अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या रुकिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, या मुझे फॉलो करके DM कर देना, मैं वो टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि दोस्तों थैंक यू टू यू गाइज, हम लोग चैनल को 27,000 सब्सक्राइबर्स कर चुके हैं, लिटरली फिस्ट बम्प टू ऑल ऑफ यू, एंड वी आर अमंग द टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑन कीटो। यार हम लोग ने ऑलमोस्ट 15 से 16 लोगों की जान बचाने के लिए फंड रेज किए इस चैनल से, कितने इस चैनल के लोग जाके डोनेट किए मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ कनेक्टेड टू दिस फैमिली, एंड भाई जितना हो सके लोगों के साथ फैला दो, मैं लिटरली कह रहा हूँ, चैनल को जितने लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो ला सकते हो, हम लोग करते रहेंगे, डोनेट करते रहेंगे भाई, जब तक होता है पॉसिबल, तब तक तुम जहाँ पर भी हो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे खासे फ्रेग्रेंस लगाते रहो, अपने भाई की वीडियो देखते रहो, मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डूडा मी बाय।